नशे की हालत में गाड़ी चला रहे अमीरजादे ने फिर एक शख्स को मौत की नींद सुला दिया। ये रोता बिलखता परिवार, साथ में मासूम बच्चों का सवाल, पापा कहाँ हैं? पूरे इलाके में मातम का माहौल। रईसजादे की सनक की भेंट चढ़ गया। इस परिवार का सदस्य रात के खुशहाल मौसम में समुद्र के साहिल पर सैरो तफरी के लिए निकले जुल्फिकार कुरैशी को शायद ये नहीं मालूम था कि ये इसके जिंदगी की आखिरी रात होगी जब वो अपने पराये को अलविदा कह देगा और साथ में इस पूरे परिवार को रोता बिलखता छोड़कर चला जाएगा। इस रईसजादे को देखिए जिसने इस परिवार पर यह मुसीबत ठा दी। शराब के नशे में तेज रफ्तार चला रहा था गाड़ी, अपनी गाड़ी से दो लोगों को रौंद दिया जिनमें से एक जुल्फिकार और दूसरा उसका दोस्त जिसे गंभीर अवस्था में जेजे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जुल्फिकार ने घटना स्थल पे ही दम तोड़ दिया। इस घटना में पहले इस रईसजादे ने स्कूटी को उड़ा दिया और बाद में वहां से फरार हो गया, लेकिन पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई और इस शख्स का पीछा किया। तकरीबन 2 किलोमीटर का पीछा करने के बाद पुलिस को कामयाबी हासिल हुई, जहां पर पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जो कि वारदात अंजाम देने के बाद मलबार हिल इलाके में खड़ी 4 गाड़ियों को भी टक्कर मार दी। मरीन ड्राइव से ये रश भागते हुए सीधा गांधीवी पुलिस स्टेशन के एरिया में आए, मलबार हिल पुलिस स्टेशन के इसमें आए और मलबार हिल में 3-4 गाड़ियों को इन्होंने ठोका है और उसके बाद में ये घर के तरफ भागने लगे तो इसको एक कांस्टेबल ने पकड़ा और उसके बाद में इस मामले में इस शराबी रईसजादे को गिरफ्तार करने के बाद जहां पुलिस ने अपनी तरफ से कार्रवाई की, लेकिन जुल्फिकार के घर वालों का कहना है कि पुलिस जानबूझकर अनजान बन रही है बल्कि पुलिस इस आरोपी की मदद कर रही है। जिस तरीके से इस रईसजादे ने स्कोडा से टक्कर मारी थी उस शख्स के मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन पुलिस को इस बारे में जरा बराबर भी अफसोस नहीं। पुलिस वाले कोई कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, पुलिस कहीं से पुलिस के पास सुबह का जो आई विटनेस और जो स्टेटमेंट दिया है हमारे भाई ने अजीम ने तो कि उसने अपनी आंखों से देखा है 120-130 की स्पीड में गाड़ी थी, गाड़ी बहुत स्पीड में लिखा है। अब तो आरोपी के हम मीडिया वालों के साथ भी पुलिस ने कितनी बदतमीजी से बात किया है कि पुलिस वालों को भगाया है अंदर कोर्ट में, कोर्ट के गेट के बाद आप लोग के आप खुद गवाह हो आप इस चीज के कि आप लोग के साथ में क्या कॉपरेट करिए पुलिस, जब आप लोगों के साथ ये हाल है तो हमारे साथ क्या हाल होगा। मुंबई में ड्रंक एंड ड्राइव का मामला कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें अभिनेता से लेकर बिजनेसमैन भी शामिल है। मुंबई पुलिस एक तरफ कह रही है कि इस मामले को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है जिसके लिए पुलिस रात को पेट्रोलिंग भी कर रही है, लेकिन इस तरह की वारदातों में आए दिन बढ़ोतरी ही नजर आ रही है। मलबार हिल इलाके में हुए इस मामले में आरोपी को 5,000 के जाति मचलके पर कोर्ट ने रिहाई दे दी, लेकिन अभी भी आरोपी पर एक शख्स की मौत का आरोप है। अब देखा यह जाता है कि कोर्ट का अगला फैसला क्या होता है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ शाहिद अंसारी, लेमन टीवी, मुंबई।